वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, आई एम मधुलिका। आज मैं आपको केमिस्ट्री ऑफ डीएनए पर बात करना चाहूंगी आपके साथ। तो पहले तो आप इस फिगर को ही एंजॉय कीजिए। देखिए डीएनए ऐसा, डीएनए है क्या? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डीएनए। पेंटोज शुगर के साथ बंधा हुआ है फॉस्फेट रेडिकल, और नाइट्रोजिनस बेसिस आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हैं, यानी दे आर लिंक्ड बाय ईच अदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आते हैं। आप एक चीज नोटिस कीजिए, एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए में बेस पेयर हो रहा है, यानी प्यूरिन पिरिमिडीन से जुड़ रहा है, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट शुगर और नाइट्रोजिनस बेस तीनों मिलकर बना रहे हैं न्यूक्लियोटाइड, और फॉस्फेट और शुगर मॉलिक्यूल और नाइट्रोजिनस बेस बना रहा है न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जब फॉस्फेट रेडिकल इसके साथ जुड़ जाता है तो इट बिकम्स न्यूक्लियोटाइड। नाउ यू कैन सी द फॉर्मूले ऑफ वेरियस नाइट्रोजिनस बेसिस, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन। यहाँ आप एक चीज देखिए, चित्र में दिख रहा है यूरेसिल भी बना हुआ है, लेकिन ये यूरेसिल आरएनए का नाइट्रोजनस बेस है। यूरेसिल ने थायमिन को रिप्लेस किया है आरएनए में। हम डीएनए के बारे में बात करें तो डीएनए में हमारे पास चार नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड थायमिन। ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है डीएनए का। इस डबल हेलिकल स्ट्रैंड में एक है 5 कार्बन एटम और उसके ऑपोजिट में होगा 3 कार्बन एटम। आप देखिए जब ये मॉलिक्यूल, ये स्ट्रैंड जा रहा है तो 5 कार्बन एटम से शुरू होकर ये 3 कार्बन एटम पर समाप्त हो रहा है, और इसके ऑपोजिट साइड में अगर ये 3 है तो ये है 5, और अगर ये 5 है तो इसका एंड कहाँ पर होगा? 3। यहाँ 5 था, यहाँ 3। विभिन्न रंगों से नाइट्रोजिनस बेसिस को दर्शाया गया है। एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ रहा है, ए टी के साथ, ए और टी में डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, और फॉस्फेट की बैकबोन इसमें पाई जाती है। ये जो हरे रंग का स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रैंड दिख रहा है, ये है फॉस्फेट बैकबोन। डीएनए के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स को अध्ययन करते हैं। डीएनए जैसा हम जानते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। ये जेनेटिक मटेरियल कई प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का, यूकैरियोट्स में तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, कुछ प्रोकैरियोट्स अपवाद हो सकते हैं, जैसे कुछ वायरसेस टीएमवी, SV40, रिट्रोवायरस एट्सेट्रा। लेकिन जितने बैक्टीरिया होंगे ज़्यादातर सब में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, और यूकैरियोट्स तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इट इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग मटेरियल, मतलब ये स्वयं रेप्लिकेट होकर अपनी कई प्रतिकृतियाँ बना सकता है। इट इज़ अ कैरियर ऑफ ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। डीएनए का एक सेगमेंट जीन कहलाता है, जिसमें सारे के साथ जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एनकोडेड है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जर्म प्लाज्म के द्वारा ट्रांसमिट होती है। इट इज़ अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। वैटसन एंड क्रिक ने 1953 में क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा इसका अध्ययन किया था, और उन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। वैटसन एंड क्रिक फिजिक्स के विद्वान थे, देवर फिजिसिस्ट। मोस्ट डीएनए इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। अ स्मॉल अमाउंट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन अदर ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब प्लांट्स में, दे जनरेट विथ जनरेट एनर्जी सो सेल्स कैन फंक्शन प्रॉपरली। डीएनए वैसे तो न्यूक्लियस में ही पाया जाता है, लेकिन कुछ दूसरे ऑर्गेनल्स ऐसे हैं
जिनमें डीएनए की उपस्थिति है, दैट टू सर्क्यूलर डीएनए. अदरवाइज डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड लीनियर मॉलिक्यूल, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में ये सर्क्यूलर मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है और वहाँ ये ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं. माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दे आर ऑटोनॉमस बॉडीज़, तो अपनी एनर्जी वो स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं. डायमेंशंस ऑफ डबल हेलिकल डीएनए, आप इस चित्र में देखिए किस तरह से डायमेंशंस को दर्शाया गया है. डायमेंशंस मतलब इनके कितना इनका पिच है और कितनी दूरी पर ये स्थित हैं. सो डायमीटर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज 2 नैनोमीटर, दैट इज 20 अंगस्ट्रॉम. इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ डीएनए, और ये डायमीटर बराबर 2 नैनोमीटर ही रहेगा, यानी 20 अंगस्ट्रॉम ही रहेगा. द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न स्पाइरल और गायरे और पिच 3.4 नैनोमीटर, यानी 34 अंगस्ट्रॉम. आप देख रहे हैं ना कि ये जो डीएनए की लेंथ है वो एक टर्न लेती है, कंप्लीट टर्न लेती है, स्पाइरल टर्न लेती है, इसे गायरे या पिच कहते हैं, और ये 3.4 नैनोमीटर की पिच है. द डबल हेलिक्स डीएनए टर्न्स आफ्टर एवरी 10 बेस पेयर्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.4 नैनोमीटर. अब आप चित्र में देखिए कि डीएनए कैसे 10 बेस पेयर्स के बाद एक टर्न लेता है और इसका डिस्टेंस है 3.4 नैनोमीटर. दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच. द डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स इज 0.34 नैनोमीटर. ये डायमेंशंस ऑफ डीएनए का हम लोगों ने अध्ययन किया. लोकेशन ऑफ डीएनए इन सेल्स. डीएनए लीनियर क्रोमोसोम पाए जाते हैं. यूकैरियोट्स में डीएनए लीनियर क्रोमोसोम्स के रूप में है और सर्कुलर क्रोमोसोम्स प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी ये इसी प्रकार से सर्कुलर होते हैं. द सेट ऑफ टोटल डीएनए कंटेंट इन अ सेल इज कॉल्ड इट्स जीनोम. जीनोम क्या है? जीनोम टोटल डीएनए कंटेंट है. एक सेल में कितना डीएनए उपस्थित है वो उसका जीनोम कहलाता है. द ह्यूमन जीनोम हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 बिलियन बेस पेयर्स ऑफ डीएनए अरेंज्ड इन 46 क्रोमोसोम्स. मनुष्य में यानी होमो सैपियंस में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और यहाँ डीएनए में 3 बिलियन बेस पेयर्स डीएनए के अरेंज्ड हैं. A segment of DNA is called gene which carries genetic information encoded in it. हम कई बार कह चुके हैं कि DNA का एक छोटा सेगमेंट जीन है जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उपस्थित है. ट्रांसमिशन ऑफ सच इन्फॉर्मेशन अकर वाया RNA, ribosomes and proteins. ये इन्फॉर्मेशन RNA के द्वारा राइबोसोम में जाती हैं और वहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है. फंक्शंस ऑफ DNA. Deoxyribonucleic acid is a molecule composed of 2 polynucleotide chains that coil around each other to form a double helical structure which carries genetic instructions for the development, functioning, growth and reproduction of all known organisms and many viruses. Ye jo DNA nucleic acid hai, ye पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना हुआ है जो, और डबल स्ट्रैंडेड है, ये दोनों एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं. इस चित्र में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि सेल में कहाँ न्यूक्लियस है. तो ये न्यूक्लियस सेल में कहाँ डीएनए है, तो दिस इज द न्यूक्लियस इन अ सेल. इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो जेनेटिक मटीरियल है उसको एनलार्ज किया गया है. क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं आपको, क्रोमोसोम को और अधिक एनलार्ज करके दिखाया है, तो आपको डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर साफ साफ दिखाया है. अब ये डीएनए क्या करेगा, ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करेगा और बनाएगा मैसेंजर आरएनए, और ये मैसेंजर आरएनए जिसमें जेनेटिक कोड है, यानी ट्रिपलेट कोडॉन के रूप में जेनेटिक कोड है, वो ट्रांसलेट होगा टीआरएनए के द्वारा. ये टीआरएनए है राइबोसोम,
और राइबोसोम में टीआरएनए अपनी पोजीशन बनाता है, एंटीकोडॉन की जो लूप है या जो आर्म है वो एंटीकोडॉन लूप जेनेटिक कोड को रीड करता है, यानी ट्रिपलेट कोडॉन को डिकोड करता है और फाइनली बनता है पॉलीपेप्टाइड जो कि जाकर जमा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यानी स्टोरेज हाउसेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये प्रक्रिया डीएनए से आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन का ट्रांसलेशन सेंट्रल डॉग्मा कहलाता है। एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की भी प्रोसेस होती है जिसमें आरएनए डीएनए मॉलिक्यूल। नाउ यू सी द कंपोजिशन ऑफ डीएनए। डीएनए इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, फॉस्फेट रेडिकल, शुगर मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन बेस। ये नाइट्रोजन बेस क्या है, एडिनिन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। ये डीएनए में है। आप इनका बेस पेयरिंग देखिए और हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखिए। जी सी बेस पेयर विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जी मैंने गुआनिन, सी माने साइटोसिन। ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ही पेयरिंग करेगा और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ा रहेगा। दीज आर कोवेलेंट बॉन्ड्स। और दूसरे चित्र में देखिए एडिनिन थायमिन के साथ जुड़ा हुआ है और वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। कोवेलेंट बॉन्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इट इज डबल बॉन्ड। इनके फॉर्मूले आपको याद करने हैं। प्यूरिन है हाइड्रोकार्बन की डबल रिंग है, वेरस पिरामिडिन सिंगल रिंग है। तो जी प्यूरिन है तो सी पिरामिडिन है, ए प्यूरिन है तो टी पिरामिडिन है। ये नाइट्रोजनस बेस मैंने एक कलरफुल पिक्चर आपके सामने प्रस्तुत की है। पिरामिडिन आपको 3 तरह के दिख रहे हैं, हालांकि यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता, ये आरएनए में पाया जाता है। नाउ यू कैन सी न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन बेस जुड़ा है पेंटोज शुगर के साथ और न्यूक्लियोटाइड है नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट रेडिकल इसके साथ जुड़ा हुआ है। तीनों ने मिलकर बनाया है न्यूक्लियोटाइड। यहाँ भी एक कलरफुल पिक्चर है जिसमें थोड़ा और फॉर्मूले के साथ आपको समझाने का प्रयत्न मैंने किया है। फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है पेंटोज शुगर के साथ और पेंटोज शुगर जुड़ा है नाइट्रोजनस बेस के साथ। तो पहले कार्बन पर जुड़ा है नाइट्रोजनस बेस और 1, 2, 3 चौथे कार्बन पर जुड़ा है फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोटाइड्स हम बात कर चुके हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, दे आर मोनोमियर्स फॉर न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स। न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी कैरियर्स। ट्राईफॉस्फेट्स यानी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट एंड साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। दे आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ कोएंजाइम्स टू, लाइक एफएडी, एनएडी एंड कोएंजाइम ए। एफएडी इज फ्लेविन एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, फ्लेविन एडिनिन एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड निकोटिनामाइड एडिनिन डाइफॉस्फेट एंड कोएंजाइम ए। आरएनए इज अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, वेयर एज डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। एडिनिन गुआनिन साइटोसिन आर कॉमन इन बोथ, यानी ये दोनों में पाए जाएंगे एडिनिन गुआनिन साइटोसिन, लेकिन यूरेसिल केवल आरएनए में पाया जाएगा थायमिन के स्थान पर। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स विच आर लॉन्ग चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एटीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट इज सेंट्रल टू एनर्जी मेटाबॉलिज्म। एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। एटीपी इज एक्चुअली एनर्जी करेंसी, इट इज़ द एनर्जी मॉलिक्यूल। जीटीपी इज गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इट ड्राइव्स प्रोटीन सिंथेसिस। सीटीपी इज सिस्टीडीन ट्राईफॉस्फेट, इट ड्राइव्स लाइपिड सिंथेसिस। एंड यूटीपी, यूरिडीन ट्राईफॉस्फेट, इट ड्राइव्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो हर तरह के न्यूक्लियोटाइड का, नाइट्रोजनस बेस का अपना एक महत्वपूर्ण फंक्शन है। टाइप्स ऑफ डीएनए,
हाईली रेपिटेटिव डीएनए 5 to 45% ऑफ डीएनए डिपेंडिंग ऑन स्पीशीज इन ह्यूमंस ALU family, आलू family कह सकते हो आप याद रखने के लिए इट इज़ ALU family. इट contains ALU one site 300 base pair long. इट appears 500,000 times. इट इज़ dispersed 5% ऑफ DNA ये बनाता है. साइन अ शॉर्ट interspersed element. Transposable, transposable मतलब jumping genes. जीन अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जंप कर सकता है उसे ट्रांसपोजोन कहते हैं इसलिए यहाँ ट्रांसपोजेबल लिखा हुआ है. अल्फा सैटेलाइट डीएनए टेंडन रिपीट्स ऑफ 170 बेस पेयर्स अकर 5,000 टू 15,000 टाइम्स मेक अप पार्ट ऑफ सेंट्रोमियर 6% बनाता है ये अल्फा सैटेलाइट. L1 फैमिली इन ह्यूमंस एग्जाम्पल ऑफ लाइन्स long interspersed elements and trans they are transposable. ये भी transposable signs भी transposable हैं और lines are also transposable. यानी ये jump करने की क्षमता रखते हैं DNA. ज़्यादातर DNA junk DNA होता है उसका कोई use नहीं होता है लेकिन जो DNA सारे के सारे DNA genes नहीं होते हैं कुछ DNA कोडिंग होते हैं यानी जो जीन्स कोड करते हैं और कुछ नॉन कोडिंग भी रहते हैं. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए नाउ यू सी अल्फा डीएनए बीटा डीएनए एंड जेड डीएनए. हम जिसे पढ़ते हैं हम जिसे जानते हैं जो हमारे जनरली यूकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल है वो है बी डीएनए. It was described by James D. Watson and Francis Crick. ये बहुत common DNA है. DNA molecule दो helical polynucleotide chain से बना है जो एक दूसरे के आसपास common axis में coiled है. Two helices are wound in such a way so as to produce two interchain spacing or groove. आपको मैंने डिटेल्स दिए थे कि किस प्रकार से दोनों एक दूसरे से दूर हैं या पास हैं कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इनके पास इनके डायमेंशंस हम लोगों ने देखे थे. मेजर या वाइड ग्रूव विड्थ है इसकी 12 अंगस्ट्रॉम डेप्थ है 8.5 अंगस्ट्रॉम. माइनर या नैरो ग्रूव डेप्थ विड्थ है 6 अंगस्ट्रॉम डेप्थ है 7.5 अंगस्ट्रॉम. दीज ग्रूव्स प्रोवाइड सरफेस विद विच proteins, chemicals, drugs can interact. A and Z DNA. A DNA, it is another secondary structure that DNA can assume is the A DNA structure. It exists in less water is present. Kam pani mein A DNA upasthit hota hai. Like B DNA, A DNA is an alpha, right-handed helix. यहाँ पर डीएनए बी डीएनए में आपने देखा है कि ये राइट हैंडेड हेलिक्स है तो ए डीएनए भी राइट हैंडेड हेलिक्स है. इट इज़ शॉर्टर एंड वाइडर देन बी डीएनए छोटा भी है और थोड़ा चौड़ा भी है. इट्स बेसिस आर टिल्टेड अवे फ्रॉम द मेन एक्सिस ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ये थोड़ा फिजिकल डिफरेंस इसमें हमें दिख रहा है. कम पानी होगा तो ए डीएनए होगा थोड़ा छोटा होगा वाइडर होगा. और आता है अब सेट डीएनए. दिस फॉर्म ऑफ डीएनए अकर्स इफ डीएनए इज प्लेस्ड इन हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन. और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लेफ्ट हैंडेड है zigzag हेलिक्स में पाया जाता है. इट इज लेफ्ट हैंडेडली कॉइल्ड वेयर एज बी और ए राइट हैंडेडली कॉइल्ड रहते हैं. ये एक टेबुलर फॉर्म है जिसमें बी ए और जेड फॉर्म ऑफ डीएनए आर डिस्क्राइब. इनका हेलिकल सेंस जैसे हम बात कर चुके हैं बी और ए राइट हैंडेड है लेकिन जेड लेफ्ट हैंडेड है. मेजर ग्रूव ए और बी में प्रेजेंट होते हैं जेड डीएनए में ये एब्सेंट होते हैं. बेस पेयर हेलिकल फॉर्म 10.5 तो ए फॉर्म में 11 जेड फॉर्म में 12.
ग्लाइकोसिल बॉन्ड कन्फर्मेशन, एंटी है ए बी ए और बी में, जबकि जेड फॉर्म में एंटी फॉर पिरामिडीन्स एंड सिमेट्रिकल फॉर प्यूरिन्स। हेलिक्स राइज या बेस पेयर 3.4 अंगस्ट्रम, ए में है 2.6 अंगस्ट्रम और जेड डीएनए में है 3.7 अंगस्ट्रम। तो सबसे ज़्यादा हेलिक्स राइज आप जेड फॉर्म में देखते हैं। बेस टिल्ट है 6 डिग्री बी फॉर्म में, ए फॉर्म में डीएनए का बेस टिल्ट है 20 डिग्री और जेड फॉर्म में है 7 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा आपको बेस टिल्ट दिखता है ए फॉर्म में। और स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ए और बी राइट हैंडेड है वेयर एस जेड फॉर्म लेफ्ट हैंडेड है। सो आई हैव टेकन द रेफरेंसेस फ्रॉम डी रॉबर्टी, सेल बायोलॉजी बाई लॉर्डिश, बाल्टीमोर एंड डार्विन, एंड सेल बायोलॉजी बाई सी बी पॉमर। एज यूजुअल फिगर्स हैव टेकन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक विकिपीडिया, पिंटरेस्ट एंड अदर सोर्सेज ऑल्सो। आई एम ग्रेटफुल टू देम। थैंक यू सो मच।